बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सांसदों को इस संसद सत्र के दौरान सार्थक चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस दौरान संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद के बजट सत्र से पहले इशारों ही इशारों में विपक्षी दलों को सदन में अच्छा व्यवहार करने की नसीहत दी और उनसे सकारात्मक चर्चा में भाग लेने की अपील की। मुझे आशा है कि बजट सत्र में हमारे सांसद इस सत्र का उपयोग तार्किक चर्चा में करेंगे। इसका सदन और सरकार दोनों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए उत्सुक है और हम सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि यह पीएम मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार के कार्यकाल का अंतिम संसद सत्र है। देश में मार्च अप्रैल तक आम चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर सरकार इस बार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे आदरणीय सांसद इन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट सत्र का उपयोग गहराई से, विस्तार से, जानकारियों से भरपूर चर्चा में हिस्सा लें, अपने विचार रखें, सदन को लाभान्वित करें, सरकार को भी लाभान्वित करें और हमारे पास इस सत्र में जितना भी काम है उसका सर्वाधिक उपयोग हमारे सभी आदरणीय सांसद करें, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। और मैं ये भी जानता हूं कि अब जब अपने अपने क्षेत्र में भी उनको जाना है तो इस बार सदन में जो उत्तम और सकारात्मक व्यवहार रहा होगा उसका एक सकारात्मक लाभ मैदान में भी सदस्यों के तरफ लोगों के देखने के व्यवहार में भी नजर आता रहे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हर विषय पर चर्चा करने के लिए हम उत्सुक हैं। मैं स्वागत करूंगा खुले मन से चर्चा का, मैं स्वागत करूंगा सदन की कार्यवाही अच्छे ढंग से चले इसका, मैं स्वागत करूंगा कि यहाँ सभी सदस्य मिलकर के भावी भारत के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देने का गर्व प्राप्त करें।